ठीक है, मान लो इस तरीके से सेंटेंस है और लास्ट में ऐसे दे रखा है नो एरर, क्या करेंगे हम लोग? अब इसमें हम बोल रहे हैं कि प्योन ने, सेंटेंस का मतलब क्या होगा, प्योन ने मुझे और बाकी के लड़कों को ऑफिस में जाने दिया, द प्योन लेट द बॉयज एंड आई गो इनटू द ऑफिस। सो व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट करेक्शन इन दिस वन? अब क्योंकि हमने क्या कहा, लेट अगर यूज किया और लेट के साथ में अगर आप कोई भी प्रोनाउन लगा रहे हो, आपका किस में होगा ऑब्जेक्टिव किस में होगा, तो व्हाट वी शुड डू, दैट द बॉयज इज फाइन, हम क्या करेंगे? या बिल्कुल सही, तो लेट द बॉयज एंड मी गो इन टू द ऑफिस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, तो इसलिए मैंने कहा था ऑब्जेक्टिव केस के बहुत बड़े रूल्स नहीं है, बट पहला हमारा वही था जहां पे पोजीशन के साथ हमें यूज करना है, दूसरा हो गया लेट के साथ में आपको यूज करना है, तो बस ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दैट्स इट, ये बहुत इजी सा था इसका। आगे बढ़ते हैं, हम लोग जो कर रहे थे, हम लोग अभी क्या चल रहा है हमारा, पर्सनल प्रोनाउंस। तो पर्सनल प्रोनाउंस में ही अभी हम इसी को कंटिन्यू करके एक और टॉपिक आता है इसमें, सब टॉपिक जैसा, जिसे बोलते हैं हम लोग रूल 231, पता है ये? तो इसी के कॉन्टिन्यूशन में है रूल 231। इसमें क्या होता है देखो, आई इवेंचुअली वेंट टू द मार्केट, मैं तुम और वो मार्केट गए थे, ऐसा बोला जा रहा है। हमें समझ में आ रहा है कि क्या बोला जा रहा है, व्हाट मतलब जो भी कुछ इसमें कन्वे किया गया हमें समझ में आ गया, लेकिन इसमें बोलने का सही तरीका ये नहीं होगा। 231 जो मैंने ये लिखा है, ये एक्चुअल में क्या दिखा रहा है कि जब भी आप एक सेंटेंस में एक से ज्यादा प्रोनाउंस अगर लिखते हो, जब भी इस तरीके से, उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, हमेशा 231। 231 क्या शो कर रहा है, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, देन फर्स्ट पर्सन। तो इसका करेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, मैंने तो डायरेक्टली दिया आई वेंट, शी वेंट टू द मार्केट, तो हम लोग जो इसका करेक्शन करेंगे, हम इसमें करेंगे सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। तो यस, बिल्कुल सही, यू शी एंड आई, बिल्कुल सही, यू शी एंड आई वेंट टू द मार्केट, तुम मैं और वो, नहीं तुम वो और मैं, व्हाटएवर, ठीक है हिंदी में तो कैसे भी चलेगा मेरे ख्याल से, तो यू शी एंड आई वेंट टू द मार्केट, तो ये सब आपका करेक्ट ऑर्डर होता है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, देन फर्स्ट पर्सन। ओके, अब ये तो चलो ठीक है, समझ में आ गया। एक आता है रूल 231 के बाद रूल 123। अब रूल 123 आपको समझ में तो आ रहा है कि क्या है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है। इसे हम कब यूज करते हैं, वाइल, हाँ, नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क का मतलब वो ये कि आपने कुछ गलती करी है, उसके लिए अगर आप माफी मांग रहे हो या फिर गलती को एक्सेप्ट कर रहे हो, तो आप यूज करते हो रूल 123। तो वाइल अपोलोजाइजिंग और एक्सेप्टिंग अ मिस्टेक, ठीक है, वाइल अपोलोजाइजिंग और एक्सेप्टिंग अ मिस्टेक, जैसे अगर कोई बोल रहा है यू शी एंड आई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, ठीक है, तुम वो और मैं रिस्पॉन्सिबल इस लॉस के लिए, तो भाई गलत तरीका है लिखने का। देखो ये कहा जाता है ना कि जब भी हमने पता चल रहा है हमने गलती करी है, तो हम खुद का नाम पहले रखें, खुद को पहले रखें, और ये कहा जाता है ये एक एटिकेट्स की बात होती है, मैनर्स की बात होती है, कि हमें अपने आप को पहले रखना चाहिए ना कि सामने वाले को। तो उन मैनर्स के तहत ये रूल बना दिया गया, बोले वैसे तो कोई करेगा नहीं, तो लेट्स मेक रूल्स, ठीक है, तो भी क्या है इंग्लिश में रूल्स बना दिए सीधे। तो जब भी कुछ गलती वाली चीज कर रहे हो, तो आपको खुद को पहले रखना पड़ेगा, नहीं वरना दो गलती हो जाएंगी, एक तो गलती करी वो उसी सेंटेंस में। तो आई यू एंड शी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, मतलब बाकी आप सेम लिख सकते हो ऐसे, ठीक है, तो आई यू एंड शी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। अच्छा एक और कंसेप्ट बता दो इसमें, जो बहुत कम जगह मिलता है देखने को, बट काफी जगह मैंने इसे काम करते हुए देखा है लोगों को,
ध्यान देते हुए इसकी तरफ कि एक तो हम ये समझ लेते हैं कि पहला तो इसमें ये हो गया कि जब हम लोग अपोलोजाइज कर रहे हैं या फिर गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं, दूसरा इसमें रीजन दे देते हैं कि व्हेन ऑल द प्रोनाउंस आर प्लूरल, दूसरा रीजन ये दिया जाता है कि पहला तो एक सीन ये बता दिया, पहला तो एक स्कोप ये बता दिया कि जब हम गलती मान रहे हैं माफी मांग रहे हैं तब, दूसरा है कि जब सारे प्रोनाउंस प्लूरल हों तब भी यही किया जाएगा, ठीक है। तो अगर कहीं पे दे रखा है वी यू एंड दे, ठीक है, तो आप इसी ऑर्डर में लिखोगे फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन एंड योर थर्ड पर्सन, तो ये भी इस तरीके से लिखा वी यू एंड दे, यू एंड दे आर invited to the party. Okay, तो वैसे तो हम लोग जनरली बिग्स अगर आपको दे रखे हैं तो हम ऐसे केस में यूज करेंगे, और बाकी अगर तीनों प्लूरल है तो अब तो भैया इस ऑर्डर में ही आने, फर्स्ट सेकंड थर्ड में ही। ऑल्दो इस पे बहुत कम मिलता है, जब भी 1-2-3 पे क्वेश्चन आता है ना, एक चीज समझना, 1-2-3 पे क्वेश्चन मोस्टली इसी रूल में आता है, जब गलती मानने का दे रखा हो या कुछ इस तरीके का बोल रखा हो, मोस्टली क्वेश्चन आपको इसमें मिलेगा। बट हाँ, कुछ बुक्स में ये भी मेंशन किया गया है, क्योंकि सारी बुक्स में मेंशन नहीं किया ये वाला, कम बुक्स में किया है, तो हाँ हम इसकी तरफ भी ध्यान एक बार दे लेते हैं कि बाई चांस अगर पूछ लिया जाए कहीं तो अगर तीनों आपके इसमें दे रखे प्लूरल है तीनों, तो आप क्या करोगे तीनों को फर्स्ट सेकंड थर्ड डे अरेंज करो, इधर क्या ठीक है। तो ये हो गया हमारा, दिस वॉज योर पर्सनल प्रोनाउंस, ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउंस का कंसेप्ट इसमें आता है हमारे, इसमें हम लोगों ने देखा था यूज ऑफ सब्जेक्टिव केस, यूज ऑफ ऑब्जेक्टिव केस, उसके बाद हम लोगों ने समझा था, उससे पहले हमने वो देखी थी, यानी हर सारे प्रोनाउंस के हमने सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और पैसिव केस समझे थे, दोनों के अलग अलग यूज समझे, एंड इसके बाद हम लोगों ने देखा ऑर्डर, इस ऑर्डर में लिखना चाहिए रूल 2-3-1 एंड 1-2-3। यहां तक सब कुछ क्लियर है, किसी को कोई डाउट रूल 2-3-1 और 1-2-3 में समझ में आ गया? कैसा भी सवाल किसी भी दिमाग में होकर आराम से लिख दिया करो, ठीक है, मतलब जस्ट कीप आस्किंग, छोटा छोटा कंफ्यूजन भी मतलब रखने की जरूरत नहीं है, और अभी से क्लियर करते हो चलो सब कुछ। चलिए नाइस, तो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, दिस इज बी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, इसमें लिखिएगा they are called distributive pronouns, मतलब ये बस ये है, they are called distributive pronouns, इसमें आगे लिखिएगा they refer to an individual है। तो उसमें क्या हो गया, they refer to an individual antique verb in the singular form, मतलब ये individual की बात करते हैं और इनके साथ verb हमेशा singular form में लगता है, ठीक है। तो ईच आदर और नैदर इन्हें कहते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। अब क्या मतलब होगा इसका कि ये इंडिविजुअल की बात करते हैं हमेशा, जैसे अगर मैं लिखता हूं, जैसे अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हो, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, किसी भी कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना हर एक इंसान को, ठीक है। तो मैंने इससे ईच ऑफ द बॉयज, यानी कि मैं बात कर रहा हूं हर एक लड़के की,
ठीक है, ईच ऑफ द बॉयज, हर एक लड़का, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे क्या कर रहा है, जो भी पॉसिबिलिटी है, जो भी सेंटेंस में मौजूद है, जो भी बात कही जा रही है, उस पॉसिबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है हर एक इंसान में, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि ईच, अगर आप यूज करते हो, ईच रेफर्स टू एन इंडिविजुअल, यानी हर एक इंडिविजुअल की बात करेगा, एंड दैट्स व्हाई इट विल ऑलवेज स्पीक वर्ब इन द सिंगुलर फॉर्म। तो ईच ऑफ द बॉयज इज इन्वाइटेड। अब एक चीज बहुत ध्यान रखनी है, आपको याद होगा जब हम लोगों ने नाउंस पढ़ा था, नाउंस में याद है हमने कहा था वन ऑफ द बॉयज होता है, वन ऑफ द बॉयज इज एबसेंट, ऐसे लिखते हैं हम लोग, है ना, वन ऑफ द बॉयज। तो भाई एक ही लड़का है तो उसके लिए तो इज आएगा, वर्ब तो इज आएगा, लेकिन हाँ सारों में से एक एबसेंट है, वन ऑफ द बॉयज इज एबसेंट, यानी कि बाकी बॉयज में से एक एबसेंट है, तो उस नाउन को तो हम लोग कहते हैं प्लूरल लगते हैं। सेम चीज यहाँ पे होती है, देखो ईच ऑफ द बॉयज, तो बॉयज तो प्लूरल ही आएगा आपका, नाउन तो प्लूरल आएगा, लेकिन आपका वर्ब सिंगुलर आएगा, ठीक है। वैसे ही अगर बोला जाए नीदर ऑफ द एक्विजिशंस इज ट्रू, ईदर ऑफ द बॉयज इज रिस्पॉन्सिबल, किसी भी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, चलिए। जब मैं बोल रहा हूं ईच ऑफ द बॉयज इज इनवाइटेड, ये हमने क्या लिखा, सिंगुलर, नीदर ऑफ द एक्विजिशंस प्लूरल आएगा, और वर्ब कैसा आएगा आपका सिंगुलर, ईदर ऑफ द बॉयज इज रिस्पॉन्सिबल, तो ईदर के साथ हमने क्या लिखा कि दोनों में से कोई एक रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो जब भी आप इस तरीके से यूज करोगे, आपका वर्ब कैसा आएगा सिंगुलर आएगा, और नाउन तो प्लूरल आने आना है, ऑफ द लगाओगे नाउन आपका प्लूरल ही आएगा हमेशा, समझ में आ गया आपको बात। अब देखो इसमें एक चीज ये है, ईच आपका यूज होता है फॉर मोर देन टू, ठीक है। जब मैं बोल रहा हूं नीदर ऑफ द एक्विजिशंस इज ट्रू, तो क्या मतलब होगा इसका, बिल्कुल सही, दो एक्विजिशन में दोनों फॉल्स हैं, बिल्कुल ठीक भाई। जब बोला जा रहा है नीदर ऑफ द एक्विजिशन टू, एक्विजिशन मतलब जो भी आरोप लगाए गए हैं वो, तो अच्छा समझो नीदर का मतलब होता है नॉट वन नॉट द अदर ऑफ द टू, यानी ना ही पहला वाला और ना ही दोनों में से कोई भी नहीं, मतलब बेसिकली, ठीक है, नॉट द फर्स्ट वन एंड नीदर द सेकेंड वन। तो जब आप इस तरीके से यूज करते हो, ये यूज होता है आपका कितने के लिए, दो के लिए, नेगेटिव सेंस में, ठीक है, कि ना एक पहला वाला ठीक है ना ही दूसरा ठीक है, मैंने कहा दोनों में से कोई सा ठीक नहीं है, और इधर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक है ना, ये भी आपका किसके लिए, ये पॉजिटिव में दो के लिए यूज हो जाएगा, इधर ऑफ द बॉयज इज रिस्पॉन्सिबल, मतलब दोनों में से कोई एक रिस्पॉन्सिबल है, ऊपर वाला क्या है, दोनों में से कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, दोनों में से कोई भी ट्रू नहीं है कोई सा भी। तो ईच आप यूज करते हो दो से ज्यादा के लिए, नीदर आप यूज करते हो नेगेटिव में दो के लिए, ना ये ना वो, और इधर का मतलब होता है या ये या वो, जिन भी दो की बात चल रही है, ईच भी तो दो के लिए होता है, जैसे ईच ऑफ माय हैंड्स, नहीं नो नीदर, ईदर ऑफ माय हैंड्स होगा, ईदर ऑफ माय हैंड्स, ईच ऑफ माय हैंड्स नहीं, अनलेस यू आर एन ऑक्टोपस यू विल से ईदर ऑफ माय हैंड्स, ठीक है, ऑक्टोपस बोल सकता है बस वहां पे, ईच ऑफ माय हैंड्स, हैंड्स ही बोलेगा, तो कुछ भी बोल सकता है, फोर आर्म्स भी, क्या दिव्यांश क्या रिपीट करना है, मेंटेन, अच्छा मेंटेन कर सकते हैं, मेंटेन जब वो बन जाते तो उसकी मर्जी कुछ भी बोल सकता है, बोले ऑक्टोपस कुछ भी बोल सकता है, बोला वरना कुछ और भी वर्ड होता है, टेंटिकल्स काइंड ऑफ वर्ड यूज करते हैं हम लोग उसके अलग अलग आर्म्स के लिए, या
अच्छा नीदर फॉर मोर देन टू, चलो मैं फिर से बताता हूँ इसे, ये देखो ईच आप यूज करते हो दो से ज्यादा के लिए, ठीक है, ईच आप यूज करोगे दो से ज्यादा के लिए, आइदर आप यूज करते हो फॉर टू, दो की बात चलती होगी पॉज के सेंस में, ठीक है, इसका मतलब होगा ईदर वन और दी अदर ऑफ द टू, या तो पहला वाला या फिर दोनों में से दूसरा वाला, नीदर दो के लिए नेगेटिव में, ठीक है, चलो नॉट द वन और दी अदर ऑफ द टू, इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये आप सीधे बोल सकते हो नीदर का मतलब क्या होगा, दोनों में से कोई सा नहीं, इधर मतलब या ये या वो, इसका मतलब ना ये ना वो, ठीक है, इस सेंस में आप यूज करोगे। एक चीज और देखो, ईच अदर को हमने यूज कर लिया, देखो जरा पॉजिटिव में दो से ज्यादा के लिए, ये पॉजिटिव में दो से ज्यादा के लिए, अब दो के लिए दो से, दो के लिए पॉजिटिव हो गया इधर, दो के लिए नेगेटिव हो गया नीदर, और दो से ज्यादा के लिए हो गया ईच, दो से ज्यादा के लिए नेगेटिव में हम क्या यूज करेंगे फिर, ईच नहीं नहीं ईच कैसे यूज करेंगे, अब ईच तो हम लोग पॉजिटिव में यूज कर रहे हैं ना, ईच ऑफ द बॉयज, नेगेटिव में क्या जाएगा, नन आ जाएगा, बिल्कुल सही, नेगेटिव में आ जाएगा नन। अब मैं आप एक और चीज जरा फिर से बता दूं, अच्छा नेगेटिव में नन आ जाएगा बट लेकिन मैं नन को इसमें क्यों नहीं पढ़ते हम लोग, अब ये समझते हैं नन को हम लोग रिलेटिव इसमें आपका जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है इसमें नन को क्यों नहीं पढ़ा जाता, प्रॉब्लम ये है नन ऑफ द बॉयज, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नन ऑफ द बॉयज इज आर, रितेश कुछ बोल रहे हो, टावर चला गया था कनेक्ट किया, ओके, जैसे नीड नन ऑफ द बॉयज इज और आर प्रेजेंट, ठीक है, नन ऑफ द बॉयज इज और आर प्रेजेंट, अब जब भी इस तरीके से लिखा जाएगा तो नन को हम लोग क्यों नहीं पढ़ते इसमें, क्योंकि नन के साथ दोनों में से दोनों ही ठीक हो सकते हैं, इनफैक्ट ठीक है, या तो इज लगा सकते हो आर लगा सकते हो, इट्स योर विश, आप इज लगाओगे तो भी ठीक हो जाएगा और आर लगाओगे तो भी ठीक हो जाएगा, इसलिए नन हमारे तो डेफिनेटिव प्रोनाउंस में नहीं आता, नन कैन टेक बोथ द वर्ब्स सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है, समझ आ गई, जैसे हम लोगों ने ऊपर देखा था ये चीज देखो जरा, जैसे हम लोगों ने यहां पे देखा था ना भाई, ईच और आइदर नाइदर के साथ हम लोग वर्ब हमेशा कैसा लगा रहे हैं, वर्ब आप हमेशा सिंगुलर लगा रहे हो, हाँ वही, ठीक है, तो इसे मैं एक बार में ऐसे लिखवा देता हूं, देखो वन वन इसलिए क्योंकि वन भी इसी तरीके से काम कर जाता है, ईच आइदर नाइदर ऑफ द प्लस नाउन और प्लस वर्ब, नाउन आपका हमेशा कैसा आएगा प्लूरल, वर्ब आपका हमेशा कैसा आएगा सिंगुलर, ठीक है, समझ में आ गया भैया कॉन्सेप्ट, वन ऑफ द ईच ऑफ द आइदर ऑफ द नाइदर ऑफ द कुछ भी लिखा हो अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो आपका नाउन कैसे आने वाला है प्लूरल आने वाला है और आपका वर्ब कैसे आने वाला है सिंगुलर आने वाला है, ठीक है, अब देखो जरा यहाँ पे एक और ट्विस्ट आता है, लेकिन हाँ अब इसी में अगर देखा जाए तो नन का क्या सीन है, नन ऑफ द नाउन जो भी आप लिख रहे हो उसके बाद में वर्ब, नाउन तो आपका कैसा आएगा वो तो प्लूरल ही आएगा उसमें तो कोई बात नहीं है, ठीक है, इन वर्ब आपका सिंगुलर
क्लियर कुछ भी आ सकता है। ये होता है नन के साथ में, ठीक है। नन के साथ में कंफाइन नहीं है कि सिंगुलरली आना है या फिर प्लूरली आना है। नन के साथ में यू कैन यूज ईदर सिंगुलर और प्लूरल, व्हाटएवर यू फील लाइक, और दोनों ही ठीक होते हैं। सेंटेंस गलत किसी में नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और समझते हैं, ईच ऑफ द बॉयज इज प्रेजेंट। ये तो सबको समझ में आ गया है, ठीक है। अगर मैं ऑफ द ना लिखूं, Each boy is present, कहना है ये, तो अगर आप लिख रहे हो इस तरीके से each of the लगा रहे हो तब तो आपका noun plural आएगा, लेकिन अगर आपने of the नहीं लिखाया तो आप direct बोलोगे each boy is present, ठीक है। जैसे हमने लिखा था पीछे neither of the acquisitions is true, आप यहां पे बोलोगे neither acquisitions, यहां पे क्या आ जाएगा, acquisition singular ही आएगा, neither acquisition is true। समझ में आया तक? ठीक है, तो कोई भी डाउट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं कहीं पे भी कि यार कहां पे सिंगुलर आ रहा है कहां पे प्लूरल आ रहा है, डाउट वाली बिल्कुल भी जगह नहीं है। आप सिंपल याद रखोगे ईच ऑफ द लिखा जाएगा आपका नाउन प्लूरल आएगा, डायरेक्ट ईच के साथ लिखा जाएगा आपका नाउन सिंगुलर आएगा। सिमिलरली नाइदर के साथ भी ऐसा ही हम लोगों ने, नाइदर ऑफ द लिखा था हमने तो यहाँ पे लिखा क्या लिखा जाएगा, नाइदर ऑफ द एक्विजिशंस है ना, ये प्लूरल आएगा। और ये पता नहीं रॉकेट कैसे बन गया इसमें, यस तो ठीक है, नाइदर ऑफ द एक्विजिशंस Neither of the acquisitions is true. Acquisitions आपका plural आ जाएगा उसके साथ ऐसा, लेकिन direct लिख रहे हो तो ऐसे आएगा। So neither Ram and Shyam में plural भी use होगा। Sef, neither or neither Ram and Shyam, neither Ram and Shyam होगा ही नहीं, neither Ram और nor आएगा ना साथ में, हाँ neither के साथ nor use करते हैं ना हमने इस तरीके से बोलना है तो। अरे इधर भी सेम काम करेगा, बस मैंने एग्जांपल नहीं लिखा है। Neither of the boys कुछ भी is present, he is absent, we can say either boy is absent। क्या लिखा है, इधर बॉय सेकंड केस में, हाँ ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं यहाँ पे एक और चीज बताता हूं, देखो वैसे देखा जाए हम लोगों ने पढ़ा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, ये सारे प्रोनाउंस की तरह एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एडजेक्टिव्स जब हम लोग पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा ईच नाइदर और आइदर जो इस सेंटेंस में हमने लिखे हैं दे आर एक्चुअली एडजेक्टिव्स, ये प्रोनाउंस नहीं है। जब बॉय के साथ डायरेक्टली लगा रहे बॉय से पहले ईच, वो ईच किसकी तरह काम करता है, एडजेक्टिव की तरह काम करता है। ऑल्दो में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हमें यूज पता होना चाहिए, मैं आपको बता दूंगा आगे चल के किस तरीके से एडजेक्टिव होगा, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। आपको याद है हम लोगों ने माई और माइन पढ़ा था, तो देखा था माई जैसे ही हम लोग, जैसे दिस इज माई स्कूल, माई जब आप एडजेक्टिव इसके नाउन के साथ लगा रहे हो तो आपको माई किसकी तरह काम कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। वैसे ही इसमें होता है Each of the boys is present, तब तक तो भाई ईच हमारा प्रोनाउन है, जैसे आपने नाउन के साथ लगा लिया डायरेक्टली, नाउन के साथ डायरेक्टली लगा रहे हो ईच, तो ईच वहां पे क्या बन जाता है आपका एडजेक्टिव। तो जैसे ऊपर वाले में यहाँ पे आपका माय एडजेक्टिव बन गया, मतलब जैसे एडजेक्टिव कहा जाता है, वैसे यहाँ पे इसको, इस वाले ईच को एडजेक्टिव कहा जाता है। क्लियर हुई वाला कॉन्सेप्ट? जैसे माय हमारा क्यों, माय के साथ हमने क्या बताया था रीजन कि भाई नाउन से पहले आता है और देखा जाए तो उस नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, वो यहाँ पे हमारा ईच कर रहे हैं।
ठीक है। और बस सिंपल है, हमें सबसे जरूरी चीज तो ये है कि हमें यूज याद रहना चाहिए, ईच ऑफ द बॉयज इज प्रेजेंट, ईच बॉय इज प्रेजेंट, ठीक है हमें इतना पता है, तो वी आर वी शुड बी हैप्पी और आगे बढ़ना चाहिए हमें इसी बात पे। क्वेश्चन देखो, अगर इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, नन ऑफ द टू प्रिंसिपल्स इज लुकिंग आफ्टर दिस कॉलेज फेल, नन ऑफ द टू प्रिंसिपल्स इज लुकिंग आफ्टर दिस कॉलेज फेल। यस, तो क्या होगा इसमें, वी हैव टू फाइंड द एरर। तो क्या हो जाएगा, सही कैसे करेंगे इसमें जो एरर उसे। टू प्रिंसिपल्स, हाँ टू प्रिंसिपल्स तो ठीक है, उसमें क्या दिक्कत है, नन ऑफ द प्रिंसिपल्स, अरे क्यों नन ऑफ द टू प्रिंसिपल्स में क्या दिक्कत है, हो सकता है मैं दो प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ। यस करेक्ट, करनी बिल्कुल सही, नन ऑफ द टू की बात कर रहे हो आप, टू की बात कर रहे हो तो टू नन नहीं आएगा, क्या जाएगा, नीदर आ जाएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी हमें डिफाइन कर दिया था कितने लोग हैं, दो दो प्रिंसिपल हैं, उनके साथ क्या आएगा, नाइदर ऑफ द टू प्रिंसिपल्स इज लुकिंग आफ्टर हिज कॉलेज वेल। अच्छा ठीक है, तो दोनों में से कोई भी प्रिंसिपल अपने स्कूल का, अपने कॉलेज का जो भी कुछ है उसका ध्यान नहीं रख पा रहा, सही से ध्यान सही से नहीं रख रहा। अब एक चीज और देखना, जब आपने ऐसे लिखा है ना, नाइदर लिखा ही है और नाइदर बात कर रहा है हर एक की, तो इसके साथ आगे का प्रोनाउन भी आपका कैसा आता है, सिंगुलर ही आता है, ठीक है, आगे जो प्रोनाउन आएगा प्रोनाउन भी आपका सिंगुलर ही आएगा। हाँ दिव्यांश, अगर बिल्कुल सही, अगर यहाँ पे दो डिफाइन नहीं किया जाता, अगर नहीं बता रहे हो दो की बात चल रही है तो हमें फिर पता ही नहीं चला कितने की बात चल रही है, तो आपको आपकी मर्जी, आप कुछ भी लगाओ, तो हम बोलते नन ऑफ द क्या कहते हैं, नाइदर ऑफ द टू प्रिंसिपल्स, अगर टू नहीं होता तो हम बोल सकते फिर कुछ भी, नन ऑफ द टू प्रिंसिपल्स नहीं होगा तो नन ऑफ द प्रिंसिपल्स, या टू नहीं होगा ना फिर तो नन ऑफ द प्रिंसिपल्स, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यस, अब देखो जरा एवरी के बारे में क्या जानते हो, सब कुछ एवरी पर्सन शुड रिस्पेक्ट डैश पेरेंट्स, क्या जाएगा ब्लैंक में, देयर नहीं आएगा, ये भी रुकते हैं अब सब लोग, देयर चाहिए, एवरी के साथ भी क्या आएगा, एवरी के साथ भी आप सिंगुलर ही यूज करते हो, हिज आ जाएगा यहाँ पे, एवरी पर्सन शुड रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, ठीक है, जैसे एवरी स्टूडेंट शुड रिस्पेक्ट हिज टीचर्स, इस टाइप से आप यूज करते हो तो सेंटेंस एकदम सही है, देयर इज नो एरर, मतलब हिज पे यहाँ पे कुछ और नहीं आया, इसकी जगह देर नहीं आएगा बिल्कुल भी। अब इसके पीछे रीजन देखते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, ईच और दोनों के साथ ही वर्ब सिंगुलर की काम करने का अच्छा किसी तरीके से होता है, दोनों के साथ सिंगुलर इसलिए आता है क्योंकि अब मैं इसके यूज में आपको डिफरेंस बता दूं,
डिफरेंस बिटवीन ईच एंड एवरी, ठीक है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ईच रेफर्स टू एन इंडिविजुअल, ईच रेफर्स टू एन इंडिविजुअल, ईच किसी इंडिविजुअल की बात करता है, इसलिए इसके साथ वर्ब कैसा आता है, सिंगुलर आता है, क्योंकि हर एक की बात कर रहा है। एवरी बात किसकी करता है, एवरी रेफर्स टू द टोटल ग्रुप, एवरी रेफर्स टू द टोटल ग्रुप, समझ आया कुछ। ईच रेफर करता है किसके लिए, इंडिविजुअल के लिए, इसलिए सिंगुलर होता है। एवरी पूरे ग्रुप को ऐसे होल लेता है ऐसे, ठीक है, इस वजह से सिंगुलर होता है। तो ईच और एवरी के साथ दोनों भी आपके क्या लगे, सिंगुलर ही लगेगा, समझ आया यहां तक। नेक्स्ट देखिए, ईच इज यूज्ड व्हेन नंबर इन द ग्रुप, व्हेन द नंबर इन द ग्रुप इज लिमिटेड एंड डेफिनेट, व्हेन नंबर इन द ग्रुप, व्हेन द नंबर इन द ग्रुप is limited and definite, ठीक है। जब ग्रुप में कोई भी नंबर लिमिटेड है या डिफाइंड है तब आप यूज करते हो। एवरी इज यूज व्हेन द नंबर इज नॉट डिफाइंड, एवरी यूज व्हेन द नंबर इज, द नंबर इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, समझ आई चीज। अब देखते हैं डिफाइंड और नॉट डिफाइंड का मतलब क्या है। जब भी आपको पता हो यार कि कुछ इतने लोगों की बात चल रही है, देयर इज सम कैलकुलेशन इन्वॉल्वड है, इतने लोग हैं, जहां पे पता हो, बेसिकली डिफाइंड ग्रुप में हम लोग ईच यूज करते हैं, और जहां पे कुछ चीज डिफाइंड नहीं है, पता नहीं कितने लोग हैं, कितनी कोई भी चीज है, वहां पे आप एवरी यूज करते हो। और दोनों का कंसेप्ट अलग है, वही एवरी इंडिविजुअल और सॉरी ईच इंडिविजुअल की बात करता है और एवरी टोटल ग्रुप को हैंडल करता है। तो अगर मैं सेंटेंस लिखता हूं, से Five boys were seated on each bench. Five boys were seated on each bench. तो जो आपको पता है कि जैसे पांच लगे हर एक सीट पे बिठा रहे हो, यानी कि कोई ना कोई कैलकुलेटेड चीज है, उस जगह पे आप क्या यूज करोगे, ईच यूज करते हो इसलिए, ठीक है। तो five boys were seated on each bench. Five boys were seated on each bench. आप मान लो किसी ऑडिटोरियम में पहुंचे, आपने देखा सारी सीट भरी है, तो आपका क्या रिएक्शन होगा, every seat was taken, every seat was taken, यानी सब सीट भर गई थी। आपने क्या किया, एज अ होल ले लिया उसे, every seat, आपका मतलब सारी सीटों से, ठीक है, इन ठीक है, तो एवरी सीट वॉज टेकन, इस तरीके से लिखा जाएगा, इन द सेंस कि सारी सीट्स भर गई। तो जहां भी अगर यहां पे लिखा होता कि देयर वर 5000 सीट्स एंड ईच सीट वॉज टेकन, जब बता दिया था 5000 सीट थी और हर एक सीट भरी हुई थी, तो वहां पे ईच लगा देते, लेकिन यहां पे डिफाइन नहीं है, इसलिए हमने क्या लिख दिया, एवरी लिख दिया। तो किसी भी ऑडिटोरियम में गए हो आप या स्टेडियम में गए हो, तो आप बोलोगे सारी सीट्स भरी हुई थी, आपको थोड़ी पता कितनी सीट्स है पूरा, ऐसा या नंबर इन्वॉल्व नहीं कर रहे आप सेंटेंस के अंदर, आप बोलोगे सिंपल सारी सीट्स भरी हुई थी, एवरी सीट वॉज टेकन। तो ये डिफरेंस होता है हमारे ईच और एवरी में। एक और एग्जांपल समझे, यहां तक समझ में आया, कोई डाउट लग रहा है ईच और एवरी में, क्लियर नहीं, अच्छा नहीं मतलब डाउट नहीं इसलिए, ओके तो क्लियर है यहां तक, चलो बढ़िया, ठीक है, तो आगे देखते हैं। जैसे इट रेन्ड एवरी डे ड्यूरिंग माय हॉलीडेज, इट रेन्ड एवरी डे ड्यूरिंग माय हॉलीडेज। और नेक्स्ट सेंटेंस देखो जरा, फिर बताना।
आई वॉज अवे फॉर 10 days एंड इट रेन्ड ईच डे. क्लियर हुआ भी थोड़ा? जहां पे बता रहे हो आप कि भाई इट रेन्ड एवरी डे ड्यूरिंग माय हॉलीडेज, मेरी छुट्टी को दौरान हर दिन बारिश हुई, तो आपने एज इन पूरा डिफाइन किया कितने दिन की छुट्टी थी या क्या था. आप सिंपल बोल लोगे वहां पे एवरी डे. ठीक है, यहाँ पे आपने क्या लिखा, आई वॉज अवे फॉर 10 days, मैं 10 दिन के लिए गया था और हर एक दिन बारिश हुई, एंड इट रेन्ड ईच डे. तो आप यहाँ पे लगाओगे ईच. ठीक है, तो ये कंसेप्ट होता है हमारा एवरी और ईच का, कि दोनों के साथ वर्ब सिंगुलर आता है, बस कारण अलग अलग है. चलिए तो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट लिखिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन. ठीक है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन. रेसिप्रोकल प्रोनाउन आपका क्या बताता है? रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है वैसे? हाँ, ऑपोजिट जैसा, बिल्कुल सही. ऑपोजिट क्या आइडिया देता है? ठीक है, रिवर्स ऑफ समथिंग, ऑपोजिट ऑफ समथिंग. ठीक है, यस. तो देखो रेसिप्रोकल प्रोनाउन कैसे शो करेगा, इसमें हमारे पास दो ही वर्ड्स होते हैं, ईच अदर एंड वन अनदर. ईच अदर एंड वन अनदर. अब यहां पे देखो क्या होता है, ईच अदर आप यूज करते हो किसके लिए? फॉर टू और मोर देन टू. ठीक है, दो या दो से ज्यादा के लिए लोग क्या यूज करते हैं? ईच अदर यूज करते हैं. वन अनदर यूज होता है फॉर मोर देन टू. अच्छा, एक चीज और समझाता हूँ, एसएससी ये चीज एक्सेप्ट नहीं करता. एसएससी बोलता है कि भाई ईच अदर यूज होता है कितने के लिए? दो के लिए. और वन अनदर यूज होता है फॉर मोर देन टू. वो इतने पे मतलब एक्सेप्ट करता है इतने ही. ईच अदर आप यूज करते दो के लिए, और वन अनदर कितने के लिए? दो से ज्यादा के लिए. ठीक है, तो सेंटेंस जैसे था, हम लोगों ने यहाँ पे देखा है क्लास में, पता नहीं मेरे को, जैसे फाइव ब्रदर्स आर एट टैगर्स रॉन्ग कर सकते हो. Dagger strong, so they feel it below their dignity to talk to each other. Talk to each other. हाँ जी, क्या हो जाएगा? The five brothers are dagger strong, so they feel it below their dignity to talk to each other. और यहाँ पे क्या, इस तरीके से हमने यहाँ पे टैगिंग कर दी. ठीक है, समझ में आ रहा था? क्योंकि हाँ बिल्कुल सही, वन अनदर हो जाएगा, क्योंकि पता दिया हमने पहले ऑलरेडी की भी पांच की बात चल रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा वन अनदर. डैगर थ्रोन का मतलब तो सबको पता है ना, हम लोगों ने पढ़ा था शायद किसी क्लास में. डैगर थ्रोन मीन्स तलवार के चलना, यानी दुश्मनी हो जाना. तो पांच भाई बीच में दुश्मनी हो गई है, इसलिए वो अपनी शान के खिलाफ समझते हैं दूसरे से बात करना भी. तो ये था हमारा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, साथ ही साथ रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जो कि बहुत छोटा सा था, समझ में आ गया वो सबको. आगे बढ़ा जाए.
चलिए तो नेक्स्ट लिखिएगा। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में व्हाट डू वी डू, दिस दैट दीज दोस आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, ठीक है। दिस दैट दीज दोस को हम लोग क्या कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। अच्छा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का क्या काम होता है वैसे, मोस्टली किसी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए यूज करते हैं। दिस दैट को हम लोग पॉइंट आउट करने के लिए यूज करते हैं ना, दिस थिंग दैट थिंग, ठीक है। तो इसी तरीके से यूज करते हैं हम लोग। और दिस दैट का प्लूरल क्या हो जाता है, दीज एंड दोस। तो पास में कोई चीज है तो दिस और दूस है वो, सॉरी इनका प्लूरल ही होगा। तो पास में कोई चीज हम लोग क्या बोलेंगे उसके लिए, दिस बोलेंगे। अगर सिंगुलर है तो प्लूरल हो तो हम क्या बोलेंगे, दो दीज। और वही इसका प्लूरल होगा तो हम बोलेंगे दोस। कौन आ गया, दिस वाज दैट, ऐसे काम करता है, दिस एनीथिंग व्हिच इज क्लोज एंड दैट व्हिच इज एनीथिंग अ लिटिल फार अवे फ्रॉम यू, ठीक है। वैसे दिस इज समथिंग दैट इज समथिंग, इस तरीके से कुछ यूज किया गया था, ठीक है। तो दिस और दैट दीज दोस आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। अब देखिए जरा इसका यूज कहां पे आता है। अब देखो दिस इज अ चेयर दैट इज अ ट्री, ये तो मैं आता है करना, ये अलग से फिर से करने की जरूरत नहीं है। दीज आर बुक्स, दोज आर बर्ड्स, हम यहां पे लिखते हैं दैट विद इट्स प्लूरल दोज, ठीक है, दैट विद इट्स प्लूरल दोज इज यूज्ड टू अवॉइड is used to avoid the repetition of a preceding noun. क्या मतलब बोलते हैं इनका, कि दैट अपने प्लूरल दोस्त के साथ क्या काम करता है, पहले आए हुए किसी नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने का, ठीक है। So that with its plural dos is used to avoid the repetition of a preceding noun. यानी पहले आए हुए किसी noun के repetition को avoid करने का काम करता है ये, ठीक है। कैसे काम करेगा देखिए, जैसे अगर मैं एक sentence लिखता हूं, जैसे the climate of Dehradun is better than Delhi. तो सेंटेंस को समझो और इसमें क्या एरर है, क्या गलती लग रही है वो बताओ मुझे आप। द क्लाइमेट ऑफ देहरादून इज बेटर देन दिल्ली, दिल्ली इज, ठीक है दिल्ली वैसे बहुत गलत नहीं होगा, क्लाइमेट ऑफ दिल्ली बिल्कुल सही है ना। यानी इसका एक्सटेंडेड जो वर्जन लिखेंगे हम लोग इस सेंटेंस का, क्या लिखेंगे इसका एक्सटेंडेड वर्जन कुछ इस तरीके से आएगा। अगर मैं इसे हटा दूं, रिमूव कर दूं एक बार, तो देन अच्छा एक चीज बता दूं मैं, बाकी लोगों को सुन लो। जैसे मैंने बोला जब द क्लाइमेट ऑफ देहरादून इज बेटर देन दिल्ली, ये गलत इसलिए है क्योंकि मैं एक्चुअल में क्या कर रहा हूं, यहां पे देहरादून के क्लाइमेट को दिल्ली से कंपेयर कर रहा हूं। तो बेसिकली मैं क्लाइमेट को एक शहर से कंपेयर कर रहा हूं, जबकि मुझे करना क्या चाहिए, क्लाइमेट को वहां के क्लाइमेट से ही कंपेयर करना चाहिए। लेकिन हिंदी में भी या फिर देखा जाए, नॉर्मली हमारे बोलने का तरीका होता है कि यहाँ का मौसम ज्यादा अच्छा है वहां से,
यहाँ का मौसम वहां से अच्छा नहीं है, यहाँ का मौसम वहां के मौसम से अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे एक्सटेंडेड इसका, द क्लाइमेट ऑफ देहरादून इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली। समझ आ गया, द क्लाइमेट ऑफ देहरादून इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इसके साथ में, इसकी जगह हम लोग लिख लेते हैं फिर दैट, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था अभी, दैट का ही काम होता है पहले आए हुए किसी नाउन को। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, द क्लाइमेट की जगह हम लोगों ने दैट यूज किया इसीलिए, ठीक है। द क्लाइमेट ऑफ देहरादून इज बेटर देन दैट ऑफ दिल्ली। समझ आ गई। सिमिलरली अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, द रिवर्स ऑफ अमेरिका, द रिवर्स ऑफ अमेरिका आर लार्जर देन यूरोप। अब बताइए है ना, बिल्कुल सही। अब देखो द रिवर्स ऑफ यूरोप आना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे दैट ना लगा के यहाँ पे सिंपल हम क्या लगा देंगे, द रिवर्स ऑफ यूरोप कौन सा हो जाएगा, दोस ऑफ यूरोप। तो द रिवर्स ऑफ अमेरिका आर लार्जर देन दोस ऑफ, ठीक है, दोस ऑफ साथ में लगाना है बस यहाँ पे, लार्जर देन दोस ऑफ यूरोप। समझ आ गई, ठीक है, द रिवर्स ऑफ अमेरिका लार्जर, ठीक है। तो बस ये भी ध्यान रखना है, सिंगलर है तो भी सिंगलर आएगा, प्लूरल है तो प्लूरल आएगा, सिंपल सा कंसेप्ट। ओके ठीक है, तो ये था हमारा क्या डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस, तो दिस दैट दिस दोस, इस तरीके से आप इसे यूज करते हो, ठीक है। मतलब मोस्टली एग्जाम में यही फॉर्म में पूछ लिया जाता है इसे, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ा जाए, ओके charges in this hospital are less than the charges in this hospital are less than the hospital near my house, yeah, aise kar sakte hain, the charges in this hospital are less than the hospital near my house। So, isko agar aapko correct karna hai to correct kaise karenge ise, hum जल्दी से कर लेते हैं। है ना, दोस ऑफ क्या हो जाएगा इसमें, द चार्जेस इन दिस हॉस्पिटल आर लेस देन द हॉस्पिटल नियर माय हाउस, क्या लग रहा है आपको, सर द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली को एरर में काउंट करेंगे क्यों, दिल्ली क्लाइमेट क्या, द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इसमें एरर क्यों, तो ठीक है ना, एरर मतलब इसमें एरर्स आ सकते हैं, नहीं ऐसा
तो क्लाइमेट ऑफ दिल्ली को, क्लाइमेट ऑफ दिल्ली, ठीक है वो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और हम काउंट करेंगे। देखो हमारे पास अगर मौजूद है ना, जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम हमने ये बात की थी, अगर हमारे पास प्रोनाउन मौजूद है तो हम हमेशा प्रेफर करेंगे और अब कि हम प्रोनाउन यूज कर लें, ठीक है। तो हाँ उसे एरर में काउंट करेंगे, अगर रिपीट कर रहे हैं तो वी शुड यूज डेमोंस्ट्रेटिव नाउन। ये कहा जाता है कि भाई अगर पता है आपको उसके बारे में तो आपको उसे यूज करना चाहिए, यही है बस। ओके, और इसे देखो द रिवर्स ऑफ अमेरिका आर लार्जर देन देन दोस। अब यहाँ पे क्या आएगा, ऑफ आएगा, साथी दोस ऑफ इन द हाउस। अब इससे हमने यालो क्वेश्चन देखा था, हाँ इसमें क्या जाएगा, द चार्जेस इन दिस हॉस्पिटल आर लेस देन द हॉस्पिटल नेम अ हाउस। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, चार्जेस कैसा दिखा गया है ये आपका, दिस इज प्लूरल, तो व्हाट शुड बी से, द चार्जेस इन दिस हॉस्पिटल आर लेस देन दोस, ये पे आएगा ना। बस ध्यान रखना ये कि जो प्रीपोजिशन यहां पे लिखा है ना आपको वही तो रिपीट करना है, चार्जेस इन दिस हॉस्पिटल आर लेस देन दोस इन द हॉस्पिटल नियर माय हाउस। समझ में आया कंसेप्ट, यहां पे इन क्यों आएगा, तो कभी भी प्रीपोजिशन को लेके कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि प्रीपोजिशन यहां पे साफ साफ लिखा होता है, ठीक है। प्रीपोजिशन यहीं से लेते हैं, ऐसा नहीं कि ऑफ हर जगह ऑफ आएगा, हम लोग यहां से देखेंगे, यहां पे अगर इन लिखा है तो हमने यहां पे भी क्या लिखा है, इन लिख दिया, ठीक है। तो द चार्जेस इन दिस हॉस्पिटल आर लेस देन दोस इन द हॉस्पिटल नियर माय हाउस, यस। हाँ चलो ठीक है, लेट्स कीप इट टिल हियर, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। और बाकी कोई भी डाउट हो आप मुझे नेक्स्ट क्लास में बताइएगा, यस ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू गाइस, ओके थैंक यू। Thank you.